हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में और फ्रेंड्स फाइनली यहां पर रेलवे स्पायरेंट के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है और रेलवे की तीसरी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है जैसा कि आपको पता है सबसे पहले ई एल पी दैन टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसके बाद यहाँ पर तीसरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है कौन सा नोटिफिकेशन है कौन सी वैकेंसी है कितने पदों पर आई है सिलेबस क्या है सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैलाइकन के को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं और किरण पब्लिकेशन की तरफ से इकतालीस सेट यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं उसके अलावा यहाँ पर एक और बुक है जिसमें ट्वेंटी थ्री सेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि एस SI के लिए है तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की सब इंस्पेक्टर एसआई SI की वर्कबुक और साथ ही कॉन्स्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस वर्कबुक है इनका यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी संख्या में सेट देखने को मिल जाते हैं साथ ही आपको डिटेल सोल्यूशन भी देखने को मिलते हैं डायरेक्ट परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चाहें तो नजदीक की बुक स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं तो देखिए यहां पर जो अभी न्यू वैकेंसी आई है वो है आर पी एफ एस आई और कॉन्स्टेबल की फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आर पी एफ जीरो एक ऑब्लिक दो हजार चौबीस और यहां पर नीचे आते हैं तो सारी जानकारी यहां पर दी गई है सबसे पहले ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं पंद्रह अप्रैल दो हजार चौबीस से लेकर और यहाँ पर चौदह मई दो हजार चौबीस तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहां पर जो है पंद्रह मई से लेकर चौबीस मई तक मोडिफिकेशन का मौका मिलेगा आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले ये ऐसा ही

रहते हैं आगे बात करते हैं फीस की तो फीस वही यहां पर सेम रहती है रेलवे की पांच सौ रुपए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और एससी एस टी के लिए ढाई सौ रुपये फीस यहां पर रहती है सवाल यहां पर ये यह उठ रहा है कि क्या सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है तो सीधा हम लोग सिलेबस की तरफ ही चलते हैं तो सिलेबस में अगर कुछ चेंज जैसे कि हम लोगों ने देखा टेक्नीशियन में हमें चेंज देखने को मिला था तो क्या आरपीएफ में चेंज हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्वेल्व में सीबीटी आपका एक ही यहां पर होना है नाइनटी मिनट्स का समय मिलेगा टोटल क्वेश्चन एक सौ और एक नंबर का एक क्वेश्चन है वन बाय की नेगेटिव मार्किंग है तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो मैथमेटिक्स के पैंतीस क्वेश्चन है पैंतीस क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और पचास क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं तो सिलेबस में तो कोई चेंज यहां पर देखने को नहीं मिला है बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर बात करें तो आ, इंस्पेक्टर तीन फिट नौ इंच और तीन फिट यहां पर फीमेल के लिए हाई जंप रहने वाली है कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे अगर बात करें यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट है और फीमेल के लिए एक कौन सेंटीमीटर है तो एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिल जाता है 160 152 हो जाती है बाकी चेस्ट वगैरह आप यहां पर देख सकते हैं तो ये मेन मेन चीजें थी एसआई के बारे में अब चलिए यहां पर कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं उसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये दूसरा नोटिफिकेशन है यहां पर ये कांस्टेबल के लिए है और आर पी एफ जीरो टू अब्लिक दो हजार चौबीस के नाम से है तो अलग अलग नोटिफिकेशन है अगर आपको दोनों फॉर्म भरने हैं तो आपको दो बार फीस पे करके दो फॉर्म यहाँ पे भरने होंगे डेट्स यहाँ पर भी सेम है पंद्रह अप्रैल से स्टार्ट है चौदह मई लास्ट डेट है पंद्रह मई से लेकर चौबीस मई तक मॉडिफिकेशन है अगर बात करें लेवल थ्री की जॉब है इक्कीस बेसिक पे है इनिशियल पे स्टार्टिंग में पैंतीस प्लस बनता है मेडिकल स्टैंडर्ड बी है एज अठारह से अट्ठाईस साल है पहले पच्चीस साल हुआ करती थी तीन साल का रिलेक्शन है और चार

बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है टेंथ मांगी जाती है अगर आपने टेंथ पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वही है देखो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा फिर फिजिकल होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है अगर बात करें सिलेबस की तो टेंथ स्टैंडर्ड का यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल नाइन्टी मिनट्स का पेपर होगा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम है वन बाय की नेगेटिव मार्किंग है पैंतीस नंबर की मैथमेटिक्स है पैंतीस नंबर की रीजनिंग है और पचास नंबर की जनरल अवेयरनेस है अब सवाल ये भी उठता है कि दोनों का सिलेबस जब बिल्कुल सेम है कांस्टेबल का तो फर्क क्या रहेगा तो फर्क रहेगा लेवल का यहाँ पर जो कांस्टेबल की

है, ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और इसके बाद हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक चीजें को डिस्कस करेंगे अभी आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए